बाघम्बरी मठ के अतिथि गृह में महंत नरेंद्र गिरी का शव लगभग एक साल पहले मिला था। आपको बता दें कि 20 सितंबर 2021 को महंत गिरी का शव फंदे से लटका मिला था। इस मामले में सीबीआई जांच चल रही थी। जांच के बाद सीबीआई ने महंत का शयन कक्ष सील कर दिया था, जिसके बाद नए महंत बालवीर गिरी ने कमरे का ताला खोलने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। गुरुवार को उनके शयन कक्ष को खोल दिया गया। आपको बता दें कि सीबीआई पुलिस प्रशासन और बैंक अफसरों की मौजूदगी में सुपुर्दगीनामा महंत बलबीर गिरी को दिया गया। कमरे की चाबी भी महंत बलबीर गिरी को सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि बलबीर गिरी 2-3 दिन में कक्ष में प्रवेश करेंगे। वहीं जिस कक्ष में महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की थी, वो कक्ष नहीं खुला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी के शयन कक्ष की चाबी देने से पहले वो सभी सामान मिलाए गए जो उनके कमरे में पहले से थे। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि महंत के कमरे में 3 करोड़ रुपए नगद, एक वसीयत जो वर्तमान महंत बालवीर गिरी के नाम पर है, साथ ही 13 कारतूस, करोड़ों के जेवरात और 10 क्विंटल देसी घी भी मिला है। सीबीआई की टीम गुरुवार को सुबह लगभग 11 बजे मठ पहुंची। पुलिस, सीबीआई और प्रशासन की टीम पहले तल पर स्थित महंत के शयन कक्ष में गई, जहां रात के 8 बजे तक सामान को मिलाया गया। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए गिनने के लिए मशीन मंगवाना पड़ा। कमरे में नगद, वसीयत, कारतूस, जेवरात और दूसरे सामान भी मिले। बाघम्बरी मठ के महंत बालवीर गिरी ने नगद मिलने पर कुछ भी बोलने से इनकार ही किया। महंत बालवीर गिरी ने कहा कि कमरे की चाबी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में इस कक्ष में प्रवेश करेंगे। पूरा मामला सितंबर 2021 का है, जब यूपी के प्रयागराज में बाघम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी का शव पंखे से लटका मिला था। जानकारी के मुताबिक उन्हीं के एक शिष्य ने फोन किया था, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला था, जिसके बाद पुलिस ने सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया था। जब सुसाइड मामले की जाँच की गयी तो पता चला कि महंत गिरी लगातार तनाव में रह रहे थे, साथ ही अपने शिष्य से भी किसी वजह से पुराना विवाद चल रहा था। महंत ने अपनी मौत से कुछ दिनों पहले ही आनंद गिरी को मठ से अलग कर दिया था। वैसे बाद में सुलह हो गई थी। आपको बता दें कि बाघम्बरी मठ के मौजूदा महंत बालवीर गिरी ने कमरा खोले जाने को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत के आदेश के बाद ही सीबीआई की टीम गुरुवार को सीबीआई, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कमरे को खोला गया। महंत बालवीर गिरी के कमरे से मिलने वाले सभी सामान का रिकॉर्ड तैयार किया गया। सारे सामान की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चाबी मौजूदा महंत बालवीर गिरी को सौंप दी गई। वैसे जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया था, वो कमरा फिलहाल नहीं खुलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।